इनेलो से निष्कासित सांसद दुष्यंत चौटाला ने जींतवैली में जननायक जनता पार्टी का ऐलान किया। वहीं विपक्ष के नेता अभय चौटाला और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की अगुवाई में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। पूर्व विधायक एवं इनेलो के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा ने साफ किया कि इनेलो ने चंडीगढ़ में समानांतर बैठक किसी डर की वजह से नहीं बुलाई। इसके साथ ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला को नई पार्टी बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। इनेलो द्वारा बुलाई गई बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व विधायक एवं इनेलो के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा से। इनेलो द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं, इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रामपाल माजरा, इनसे जानते हैं। जी महाराज, आज हमने प्रदेश कार्यकारिणी की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंग बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा प्रदेश के 5 कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उनमें वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेवारी लगाई है और कार्यकर्ताओं को भी वहां पे लगाया है, ताकि हम चुनाव ठीक से लड़ सकें और अपनी पार्टी की जीत वहां पे दिला सकें। इसी प्रकार से हमने संगठन को मजबूत करने के लिए जो पद हमारे यहाँ खाली हैं और उन पदों को भरने के लिए और जन अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे के 20 क्षेत्रों के 20 विधानसभा क्षेत्रों के प्रोग्राम जारी किए हैं। जिस प्रकार से जन अधिकार यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर जा रही है, उसे जोरदार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को चाहिए। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ती बेरोजगारी को रोक लगाने के लिए और नौजवानों को रोजगार के लिए आज व्यापारी जिस प्रकार से जीएसटी नोटबंदी ई वे बिलिंग ई ट्रेडिंग की वजह से आज व्यापार चौपट हो गया है, उनको भी किसी प्रकार से समाधान की ओर ले जाया जाए और कर्मचारी जिस प्रकार से एस्मा लाठीचार्ज और टर्मिनेशन भुगत रहे हैं, इन सारी बातों को हमने उस जन अधिकार यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में रखना है और जनता की अदालत में हम इस जन अधिकार यात्रा को और सफलतम कर सकें, इसके लिए हमने रणनीति बनाई है और विशेष तौर से मेयर के चुनाव में जीते जा सकें और लोकदल पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का परचम फहराए, उसके लिए हमने सभी कार्यकर्ता और नेताओं की जिम्मेवारी लगाई है। रामपाल माजरा जी, दुष्यंत समर्थक आरोप लगा रहे हैं इनेलो ने जो आज बैठक बुलाई है वो डर के मारे बुलाई है, कहीं विधायक पूर्व विधायक और जिला अधिकारी और कार्यकर्ता कहीं दुष्यंत चौटाला की रैली में शामिल ना हो जाएं। ये आरोप तो निराधार है, क्योंकि पहले से ही पार्टी का मजबूत संगठन और इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत ज्यादा पदाधिकारी और ओहदेदार और विधायकगण और पूर्व विधायकगण पहले से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हैं। इस प्रकार की मीटिंगें हम करते रहते हैं और इस बात को नजर रख के हमने ये मीटिंग नहीं बुलाई के जिसकी वजह से वहां जाने से किसी को रोका जाए। हमारी तो उनके प्रति शुभकामनाएं हैं, वो भी एक पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी, उन्हें अधिकार है वो अपनी मीटिंग करें, जलसा करें, जुलूस निकालें, हम अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। रामपाल माजरा जी, जिस तरह उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया है, आने वाले नगर निगम के चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? उनकी तरफ से कोई चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने तो ये कहा कि हम मेयर के चुनाव और ये कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसा कि लगता है कि वो किसी को समर्थन करें ना करें, हम इस पचड़े में नहीं पड़ते। हम अपनी बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी का हमने आपस में बैठ करके इस प्रकार से कैंडिडेट उतारे हैं। हमने गरीब से गरीब को टिकट दिया है, हमने ये सारा कुछ सोच समझ के फैसला लिया है कि दोनों दलों के गठबंधन की जीत हो। माजरा जी, आप इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, इससे पहले भी चौटाला और रंजीत के बीच में मामला सामने आया था और अब काफी समय बाद जो है दोनों भाइयों के बीच में आया, जय चौटाला और अभय चौटाला के बीच में, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? हम सभी जितने भी कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक हैं। हमने उन्हीं को अपना नेता मान करके हमेशा पार्टी को मजबूत किया है। आज जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं वही हम हैं, और ये बात मैं मानता हूं कि पहले भी पार्टी में इस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह के बीच में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बीच में
अंतर कलह हुई थी, पर हम उस वक्त में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के साथ थे, आज भी हैं। और आज जिस प्रकार से हुआ है कि ओम प्रकाश चौटाला 7 अक्टूबर को चौधरी देवीलाल जैसे जननायक की जयंती पे बोलने के लिए आए, वहां पे हूटिंग हो और जिस प्रकार से किलकारियां मारें, तो ये फैसला तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लेना था, और जिस प्रकार से उन्होंने लिया, जो उन्होंने फैसला ले लिया, हमने तो उस पर ही फूल चढ़ा दी। ये थे मेरे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रामपाल माजरा। इनका कहना है कि इनेलो ने जो बैठक बुलाई है किसी डर की वजह से नहीं बुलाई है। वहीं इन्होंने दुष्यंत चौटाला को नई पार्टी के गठन पर शुभकामनाएं भी दी हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज चंडीगढ़।